happy to be here. I think जो आर्ट जो आर्टिजन्स ब्यूटी क्रिएट करते हैं टू बी एबल टू सेलिब्रेट देम आई थिंक इज अ वंडरफुल थिंग. तो ये शाम उनके नाम है. सो या हैप्पी टू बी हियर. लेना भी अच्छा लगता है बट देने में भी एक इट्स यू नो इट्स लाइक जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं एंड यू मेक देयर डे एंड यू सी अ स्माइल ऑन देयर फेस इट्स वेरी स्पेशल. ऑफ कोर्स लेना भी अच्छा लगता है. ज्वेलरी की बात करें कितना पसंद है ज्वेलरी आपको? मुझे बहुत पसंद है बट एक तरीके की ज्वेलरी ऐसे कुछ नहीं. जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं पहनती हूँ. बट आई थिंक डायमंड्स जो हैं वो हमेशा स्पेशल होते हैं बिकॉज वो टाइमलेस होते हैं और इटर्नल होते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट एवरीबडी लव्स. नहीं मैंने नहीं देखा. मैंने यहाँ पे आफ्टर आई सॉर्ट ऑफ जॉइन द मूवीज एंड बिकेम एन एक्टर मैंने एक्चुअली अपने लिए सबसे पहले सॉलिटेयर्स खरीदे. बट जब मैं 13 की हुई तो मेरे नाना ने मुझे एक बहुत पुरानी एलूम नेकलेस दी थी जो उन जो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर की थी. आई थिंक हर दिन वैलेंटाइंस डे होना चाहिए बिकॉज लव सेलिब्रेट करने का एक दिन नहीं होता. रोज़ सेलिब्रेट किया जाता है एंड करना चाहिए. सो बट आई वुड से दैट सिंस एक दिन है इसके लिए आई गेस मेक हुएवर मेक्स योर लाइफ स्पेशल मेक इट स्पेशल फॉर देम एंड सेलिब्रेट ऑल द पीपल हु स्टैंड बाय यू एंड सॉर्ट ऑफ गिव यू द स्ट्रेंथ टू बी द पर्सन दैट यू आर. या आई थिंक हर इंसान के लिए लव सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज जब लव होता है तो आई थिंक लव इज़ वॉट मेक्स यू आई थिंक इट मेक्स यू हु यू आर एंड आई थिंक यू कैन फेस एनी डिफिकल्टी और एनी थिंग एंड इमर्ज स्ट्रोंगर वेन यू हैव अ रियली अमेजिंग सपोर्ट सिस्टम एंड वेन यू हैव लव इन योर लाइफ. मैं अभी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ. मैं लास्ट ईयर मैंने काफ़ी सारी साउथ की फिल्म्स की थी तो मैं अभी वापस आई हूँ. अभी भी थोड़े दो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे बट मैं अभी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ तो देखूँगी अभी क्या करना है. मुझे करनी है एक हिंदी फिल्म. आई वांट टू विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे बट एवरी सिंगल डे इज़ वैलेंटाइंस डे सो सेलिब्रेट एवरी डे.